बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 47 न्यूज़ के साथ मैं हूं रोजी बेग। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाहौर में आज होगा अपोजिशन जमातों का जलसा। आसिफ जरदारी, ताहिरुल कादरी और कप्तान समेत दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। स्टेज बन गया, कुर्सियां भी लग गईं और कंटेनर्स रखकर रास्ते भी बंद कर दिए गए। मलिका इलाकों के तालीमी इदारों में छुट्टी और रेंजर्स तलब करने का फैसला। अपोजिशन का धरना रोकने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कुछ देर बाद समाप्त करेगा। अपोजिशन जमातों का जलसा, कार्रवाई को हुकूमत रिकॉर्ड करेगी। 4 कंट्रोल रूम्स सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों से इस्तफादा भी किया जाएगा। लम्हा बलम्हा रिपोर्ट सूबाई वजीर कानून और ईवान वजीर आला तक भी जाएगी। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, फैसला कुन राउंड से पहले जरदारी और ताहिरुल कादरी मुलाकात करेंगे। लाहौर में मुलाकात में अगले लाया अमल पर भी गौर किया जाएगा। ताहिरुल कादरी कहते हैं सबके मेजबान हैं, आज एक कंटेनर और एक ही स्टेज होगा। आसिफ जरदारी और इमरान खान भी इसी स्टेज से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मियाँ साहब अपनी सलामती के लिए नजरिए पाकिस्तान से भी हट गए, आज शुरू होने वाले मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान से इलेक्शन से पहले अलायंस मुश्किल, बाद की बात में देखेंगे। गोलड़ा शरीफ में इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। मुल्क में निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज का मुतालबा। खत्म नबूवत का प्रचार नसाब तलीम में किया जाए कॉन्फ्रेंस। पीर ऑफ सियाल सजादा नशीन अजमेर शरीफ और इमरान खान भी शरीक। पीपल्स पार्टी आज बदीन में रंग जमाएगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन के काफिले के लिए हंगामी बुनियादों पर सड़क की तामीर। रास्ते के कच्चे हिस्से को तार कोल और पत्थर डालकर आरजी सड़क बना दिया गया। कराची में एसएसपी मलेर राव अनवार के स्क्वाड की गाड़ी पर खुदकुश हमला। गार्ड्स की जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर भी हलाक हो गए। राव अनवार का कहना है हमले के बाद फायरिंग भी की गई। इंतजार कत्ल केस, गाड़ी में मौजूद लड़की बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश। लड़की का कहना है इंतजार का एक दोस्त नजर आया, इंतजार ने उससे हाथ मिलाया, इंतजार ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो फायरिंग शुरू हो गई। जैनब कत्ल केस में नया मोड़ सामने आ गया। पुलिस का मुबैना मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार करने का दावा। उमर फारूक नामी गिरफ्तार शख्स का DNA भी करवाया जाएगा। डॉक्टरों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सेहतमंद करार दे दिया। डॉक्टर्स का कहना है ट्रंप की सोचने समझने की सलाहियत दुरुस्त है और दिमागी तौर पर वो चुस्त और तवाना है। शुमाली आयरलैंड, स्कॉटलैंड, शुमाली इंग्लैंड में शदीद बर्फबारी जिससे निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। शदीद बर्फबारी के बाद स्कूल और दफातर भी बंद और रेलवे सर्विस भी मुतासर। जान चुके, किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.live47news.com।